अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के सामने कागज रखे है, उसको उठाइए और देखिए उसमें कौन सी हिस्से शक्ल बनी है। मुसल्लस। कौन सी है? मुसल्लस। शाबाश, आपके सामने मुसल्लस नुमा कागज रखे हुए। कितने कागज रखे हुए वो? चार। तो एक काम करो आसमा, आप उसमें से दो कागज ले लो और मरियम आप दो कागज ले। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि ये जो मुसल्लस है, हमने पिछली जमातों में पढ़ चुके थे, मुसल्लस के अंदर कितने जावी होते हैं? तीन जावी होते हैं। और ये तीनों जावियों की अगर हम पैमाइश की जमा करें या इनका मजमुआ करें तो वो कितना होता है? 180 दर्जे होता है। बहुत अच्छे शाबाश। अब ये जो दो मुसल्लस नुमा कागज आप दोनों के सामने रखे हैं, इसकी यकसा लंबाई वाले सिरे आपस में मिला दो। लंबाई वाले जिले, जो जिलों की लंबाई एक जैसी है। शाबाश, बहुत अच्छा। अब आपके सामने यहाँ पर एक शक्ल नजर आ रही दो मुसल्लस को जोड़ने पर, वो कौन सी शक्ल है? जुअर बतुल अज़ला। शाबाश, बहुत अच्छी। यानी चार जिले और चार जावी आप लोगों के सामने शक्ल में बन रहे हैं, यानी ये शक्ल जो है जुअर बतुल अज़ला की है। अब हम जानते हैं, आपने जैसा बताया कि एक मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है मरियम? 180 दर्जे होता है। अब हमारे पास कितने मुसल्लस है? दो मुसल्लस है, यानी 180 और 180 की जमा हम करेंगे। करो बेटा वहाँ पर। कितना आया जवाब? 360। यानी दो मुसल्लस को जोड़ने पर सबसे पहले एक जुअर बतुल अज़ला बना और दो मुसल्लस की जावियों की पैमाइश का मजमुआ जब हमने लिए तो वो 360 दर्जे हुआ। यानी एक जुअर बतुल अज़ला बराबर दो मुसल्लस और दो मुसल्लस के छह जावियों की पैमाइश बराबर 360 दर्जे। तो एक जुअर बतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा? 360 दर्जे। तो हमको यहाँ पर इस एक्टिविटी के जरिए यही देखना था कि एक जुअर बतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश को अगर हम जमा करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो आखिर में पूरी इनकी चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना आता है? 360 दर्जे आता है।